तो लर्नर्स, मैं जकी अहमद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के हमारे एक नए लेसन में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक और न्यूमेरिकल जो नेट एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में आया था। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में से लिया गया है और ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उसका इजी फॉर्मूला के साथ हम देखेंगे कि किस तरह सॉल्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। ये जो क्वेश्चन था ये जून 2014 के क्वेश्चन में आया था नेट के, जो कि थर्ड पेपर में। तब तीन पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, 2 और 3। तो ये थर्ड पेपर जो था, जो मेन पेपर एनवायरमेंटल साइंस का, उसमें आया था। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में था कि एज्यूम दैट डाइल्यूशन फैक्टर पी फॉर एन अनसीडेड मिक्सचर ऑफ वेस्ट वाटर इज 0.03। तो ये बता रहा है कि डाइल्यूशन फैक्टर जो है, अज्यूम कर लीजिए कि वो पी है, जिसका वैल्यू है 0.03। उसके साथ द डीओ दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द मिक्सचर इज इनिशियली 9 mg/L। तो ये बता रहा है कि इनिशियल डीओ जो था उस वेस्ट वाटर का, मिक्सचर का, उसका था 9 mg/L एंड आफ्टर 5 डेज इट हैज़ ड्रॉप टू 3 mg/L। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ याद रखने की कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 5 डेज के लिए किया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे भी 5 डेज के बाद जब चेक किया गया तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ड्रॉप होके हो गया था 3 mg/L। सो द रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट के हैज़ बीन फाउंड टू बी 0.22 per day। तो ये जो के है रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू भी दिया गया है, जो कि है 0.22 per day। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है 5 डे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर विल बी हाउ मच। ये ऑप्शंस में थे 200, 150, 100 या 75 mg/L। तो आइए देखते हैं किस तरह डीओ वैल्यू से हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बीओडी है, हम निकाल सकते हैं। तो बीओडी जो 5 डेज का है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसका फॉर्मूला है निकालने का, काफी आसान सा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए कहीं पे भी, आप जहाँ पे हमारे इस सीरीज़ में जितने भी फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन्स में, आप लिख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम के टाइम में आपको हड़बड़ी ना करनी पड़े। तो उसका फॉर्मूला है बी ओ डी ऑफ 5 डेज डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट इज इनिशियल दैट इज मार्क बाई आई, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई पी दैट इज डाइल्यूशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है डाइल्यूशन फैक्टर पी लेना है। तो बस अब क्या करना है, अब पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूला तो पुट कर दिया है, अभी पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यूज दिया गया है कितना, ना वो है 9 mg/L। तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली फाइनल डीओ जो है वो कितना है, 3 mg/L। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। सो हमें यहाँ पे एक बार मैं बता दूं कि आप जब भी लिख रहे हैं ये वैल्यूज़, इसके साथ साथ आप यूनिट्स भी लिखिए ताकि आप आंसर आसानी से दे सकें। यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन आप सबको लिखना है। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय पी। तो पी का वैल्यू कितना दिया गया है ना, डाइल्यूशन फैक्टर का वैल्यू इज 0.03। तो 0.03 से हम डिवाइड करेंगे। तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6। 6 डिवाइडेड बाय 0.03। तो 6 डिवाइडेड बाय 0.03 हमें कितना दे देगा, नहीं ये जो 3 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो 200 सिंपली नहीं होगा, 200 mg/L होगा उसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में था या नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में था, तो हम इसे करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आपने कि कितना आंसर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और आने वाले लेसन्स में हम और भी डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज का ये हो रहा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है और वही फॉर्मूला यूज़ करके आप ये आंसर मुझे मेरे कमेंट्स में बताइए और आप मुझे फॉलो करते रहिए। आने वाले लेसन्स में मैं आपके लिए और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग कोर्सेस लाऊंगा। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। Pune finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup.